हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई ज्योमेट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बताओ, हमने प्रीवियस क्लास में 8-9 क्लासेज जो की हैं, ज्योमेट्री के बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं। आज की क्लास में कुछ नए कंसेप्ट के बारे में बात करें, जो आज हम सीखेंगे तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर रिपीटेड है। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर दिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कर चुके हैं। एक बार रिविजन के लिए एक क्वेश्चन दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल आर प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। जो एक सर्कल है जिसकी दो कोड है ए बी, ये कोड कौन सी है ए बी और ये कोड है सी डी, इनको प्रोड्यूस करते तो ये बाहर पी पे इंटरसेक्ट करती है। अब इसको बाहर प्रोड्यूस करोगे तो ये बाहर कहां पे इंटरसेक्ट करती है, पी पे। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोड को प्रोड्यूस करिए बाहर निकलती है तो इसको बोलते थे हम सीकेंट। क्या बोलते थे, सीकेंट। तो कई बार एग्जाम में सीकेंट भी देते। तो ये अगर बाहर इंटरसेक्ट करे तो इस केस में याद रखना मुझे, ये तो कंप्लीट लाइन है, ये कंप्लीट लाइन ए से लेके पी तक गुणा में इस लाइन सर्कल से जो बाहर ये जो लाइन दिख रही है इनकी प्रोडक्ट बी पी बराबर होती है ये कंप्लीट लाइन सी पी गुणा में आपको सर्कल का बाहर वाला पार्ट, ये पार्ट आपका क्या होता है सेम। जब भी दो सीकेंट सर्कल के बाहर मीट करती है तो इनकी प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको ए बी देर की है सात, ये कितनी देर की है सात, ये देर के आपको 4.2 सेंटीमीटर, पी डी आपको देर के 2.8, सी डी की लंबाई आपको निकालनी है, ये आपको क्या देर के 2.8 सी डी की लंबाई निकालनी। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए से लेके पी तक कंप्लीट, तो 7 और 4 ये कितना हो गया 11.2, ये कितना हो गया 11.2 गुणा में बी पी 4.2 इक्वल है सी पी, अपने को नहीं पता सी पी की जगह हम सी पी छोड़ देते, गुणा में पी डी क्या देखा 2.8। अब जो 28 का डबल होता है 56, 56 का डबल होता है 112, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा कितने पे, 4 पे, 4 की 4.2 से मल्टीपल करो तो ये आ जाएगा 16.8, 16.8 किसकी वैल्यू आ गई सी पी की। तो वो सी से लेके पी तक कंप्लीट 16.8 है, इतना पार्ट 2.8 है, तो ये कितना बचेगा हमारे लिए 14 सेंटीमीटर, ये पार्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको, ये पार्ट कितना बन गया हमारे लिए 14 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्रेंगल ए बी सी डी एंड ई, ट्रेंगल ए बी सी में डी और ई आर द पॉइंट ऑन साइड ए सी एंड बी सी। ट्रेंगल ए बी सी में दो पॉइंट है, जो कौन कौन से, डी और ई, कौन से साइड पे, ए सी और बी सी पे। सच दैट डी ई पैरेलल टू ए बी, डी ई क्या है ए बी के समांतर है। इफ एफ इज ए पॉइंट ऑन सी ई, एफ क्या दे रखे सी ई पे पॉइंट है, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तब सी ई आपको दे रखिए 6 सेंटीमीटर, सी एफ 2.5, बी सी की लंबाई अपने को निकालनी। तो ध्यान से देखिए, ट्रेंगल ए बी सी में क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई पॉइंट है, कहाँ कहाँ है, ए सी और बी सी पे। इस पे पॉइंट है जो डी और इस पे पॉइंट है ई, डी और ई पॉइंट है हमारे कहाँ पे है, ए सी और बी सी पे। यहां आपको लिखा डी ई पैरेलल है ए बी के, ये इसके समांतर। एफ इज ए पॉइंट ऑन सी ई, एफ क्या देखे सी ई पे कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है एफ, आपको लिखा हो तो डी एफ पैरेलल है ए ई के, ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है। सी ई अपने को दे रखी है, सी ई अपने को दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट 6 दे रखा है। सी एफ 2.5 है, अगर ये 2.5 है तो ये कितना बच गया 3.5, क्योंकि टोटल हमारी क्या दे रखी है
6 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, जब त्रिभुज में हम समांतर रेखाएं खींचेंगे, तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे, तो आपको थेल्स प्रॉपर्टी याद है। थेल्स क्या, थेल्स बाबा क्या कहता था याद है या नहीं याद है? थेल्स बाबा के बारे में पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो? अब पढ़ते तुम हो नहीं, तो कहाँ से थेल्स बाबा तुमको याद होगा? थेल्स बाबा ये कहता है जो हमारे पास है, किसी भी ट्रेंगल में अगर हम तीसरी लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींचे तो इनका जो अनुपात है वही अनुपात इनका होगा। तो ऐसे जो हमारे पास त्रिभुज ए ई सी में, देखो ए ई सी में ए ई पैरेलल दे रखी है आपको, ए ई पैरेलल दे रखी है किसके? डी एफ के। अगर ये पैरेलल है तो इनका रेशो सेम होगा। प्यारे बच्चे, इनका क्या हुआ? रेशो सेम होगा। तो अब मेरे को ये बताओ जो, तो एफ सी अपोन में ई एफ बराबर है हमारा सी डी अपोन ए डी, सी डी अपोन ए डी, ये हमारा रेशो सेम है। अब इनका रेशो जो 2.5 और 3.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो इनका रेशो क्या बन गया? 5:7। ये किसका बन गया? सी डी रेशो ए डी। ये किसका रेशो बन गया? सी डी रेशो ए डी। अब देखो जो, आगे इसी ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए बी सी में ए बी पैरेलल है, सॉरी बच्चों, ए बी पैरेलल है डी ए के, तो इनका रेशो भी सेम होगा। तो सी डी अपॉन ए डी, सी डी अपॉन ए डी क्या होगा हमारा? ई सी अपॉन में बी ई। अब इनका रेशो 5:7 है, तो ये क्या है? 5:7। अगर ये पार्ट मेरे लिए 5 है तो ये पार्ट क्या है? 7। अब देखो तो ई सी आपको दे रखा 6, 5 की वैल्यू दे रखी 6, 5 भाग की वैल्यू क्या दे रखी है? 6 दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है 6, तो 5 इक्वल है 6 के, तो 1 की वैल्यू 6/5। अब रेशो का जोड़ कितना होगा? 7 और 5, 12 की वैल्यू गुणा में 12, तो 72/5 कितना हो गया? 14.4। कितना गया? 14.4। यही आपसे पूछा बीसी की लंबाई क्या है, तो बीसी की लंबाई क्या हो जाएगी? 14.4। क्लियर है? तो बीसी की लंबाई क्या हो जाएगी? 14.4। बनाओ जो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सारे बेहतरीन क्वेश्चन है जो, जल्दी से कंप्लीट करो। इन पी क्यू आर एंगल क्यू 85 डिग्री, आर 65 डिग्री, एस एंड टी आर वन इज द साइड ऑफ पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। एस ओ टी दो पॉइंट है जो पी क्यू और पी आर पे, such that angle STR 95 and the ratio of QR and ST no ratio 5। यदि PQ 21.6 है, find the length of PT। तो जो PQR एक triangles है, PQR है एक triangles है, PQR एक triangles है, S and T point on PQ, इस पे point S है और इस पे पॉइंट, और पी क्यू एंड पी आर इस पे पॉइंट है टी है, इस पे पॉइंट एस तिरक है, इस पे पॉइंट टी तिरक है। एस ओ टी पॉइंट ऑन पी क्यू एंड पी आर सच दैट एंगल एस टी आर, एस टी आर ये एंगल अपने को दे रखे हो कितना? 95। ये एंगल कितना दे रखे? 95। क्यू आर रेशो एस टी, क्यू आर रेशो एस टी नो रेशो 5 दे रखा है, ये एंगल अपने को दे रखा है 85 डिग्री। प्यारे बच्चों, ये 85, क्या ये एंगल 85 होगा या नहीं होगा? क्या ये एंगल मेरा 85 होगा या नहीं होगा? तो अब मेरे को बताओ जो, ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल बने, एक कोण अगर बराबर दे रखा तो वो ट्रेंगल सिमिलर होती है। क्या आप कह सकते हो जो ट्रेंगल पी टी एस सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर के? देखो जो दोनों में पी तो क्या है? कॉमन है।
इसका टी और इसका क्यू क्या दरका है, 85 डिग्री। तो ये भी हमारे के पास क्या हो गया, सिमिलर। सिमिलर ट्रेंगल की भुजाओं का अनुपात सेम होता है, तो पी टी, पी टी अपोन में पी क्यू, पी टी अपोन में पी क्यू बराबर होता है हमारा टी एस अपोन में क्यू आर, टी एस अपोन में क्यू आर। अब जो पी टी अपने को निकालना है, पी क्यू आपको दे रखिए 21.6। अब देखो यहां पे देखो जो यही रेशो देखा दे रखा क्यू आर रेशो एस टी, तो यानी कि टी एस कितना 5, क्यू आर कितना दे रखा 9। तो यहां से बोलो पी टी क्या आ जाएगा हमारे लिए, 5 गुणा में 21.6, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 0 गुणा में 9, 9 से कट किया तो ये 24, इससे इसको कट किया ये 2, 2 से ये कट किया 12। तो पी टी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। पी टी कितना आ जाएगा, 12। तो प्यारे बच्चे याद रखना, कभी भी ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल बनाए, कभी भी ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल बनाए और अगर उसमें एक कोण बराबर है तो 101% हमारे लिए क्या, सिमिलर ट्रेंगल। वो 101% हमारे लिए क्या, सिमिलर ट्रेंगल। क्लियर है सबको? करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इन ट्रेंगल एबीसी, एबी बराबर है एसी के, ए सर्कल राउंड टू टच टू बी, एक सर्कल बी को टच करते हुए, ए सर्कल थ्रो टू बी, एक सर्कल बी से थ्रो होता है, टच एसी डी एट मिड पॉइंट, एसी के मिड पॉइंट पे टच करते हैं और इंटरसेक्ट है ए बी को पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो बोले ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रिंगल्स है, सम द पावर ट्रिंगल, एक सर्कल है जो बी से जाता है ए सी के मध्य बिंदु को टच करता है, ये इसका मिड पॉइंट डी है, ये आपका क्या दरका है एसी, इसको पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत शानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल मेंस में 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको मैंने ज्योमेट्री की जो पहली क्लास हुई थी शुरुआत वाली, उसमें जब प्रॉपर्टी करवाई थी तो उसमें बताया था ये एक टेंजेंट हो और ये एक सीकेंट हो, अगर ऐसा कोई डायग्राम है जैसे मैंने लिखा है ए बी सी डी, तो जो टेंजेंट का स्क्वेयर सी डी का स्क्वेयर बराबर होता है ये कंप्लीट लाइन ए सी गुणा बी सी, सी डी का स्क्वेयर क्या होगा ए सी गुणा बी सी। तो यही आपको इसमें बोलो ये टेंजेंट, तो इसका जो ए डी का वर्ग क्या होगा, ये कंप्लीट लाइन ए बी गुणा में सर्कल के बाहर वाला पार्ट ए बी। अब जो ए डी आपको देखो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये जो डी है ये ए सी का मध्य बिंदु है, तो क्या मैं ए डी को ए सी बाय 2 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं ए सी बाय 2 का स्क्वेयर, क्या लिख सकता हूं इसको ए सी बाय 2 का स्क्वेयर। अब देखो ए बी बराबर ए सी के, तो क्या मैं ए सी को ए बी लिख सकता हूं, तो ये क्या बन गया ए बी का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल है ए बी गुणा ए पी, स्क्वेयर को उठा के इधर ले आए तो 1/4 बराबर है ए बी गुणा ए पी बटे में ए बी स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से ये खत्म, तो ए पी और ए बी का रेशो क्या है 1:4। अब आपको यहाँ ए पी दे रखा 2.5, तो 1 की वैल्यू 2.5 है तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो ए बी पूछा तो ये ए बी क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी हमारे लिए 10 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों ये 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर, साइक्लिक वो होती है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करते हैं, इन विच ए बी 16.5, बी सी एक्स, सी डी 11, ए डी 19.8, बी डी इंटरसेक्ट ए सी एट ओ,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर, बी डी बाइसेक्ट ए सी एट ओ, ये जो बी डी है इसको बाइसेक्ट करती है ए सी को ओपन, यानी कि ये दोनों पार्ट हमारे क्या है, इक्वल है। अगर मुझे ये डायग्राम आपको दे रखा है तो याद रखना, तो ये भुजा गुणा में ये भुजा बराबर होती है ये भुजा गुणा ये भुजा। अब ये कैसे होगा मैं ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ये आपको हमेशा याद रखना, ये बराबर होगा ए बी गुणा बी सी बराबर होगा ए डी गुणा सी डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब देखो ये इक्वल क्यों होगा, ट्रेंगल ए बी सी में नजर मारो, तो ट्रेंगल ए बी सी में ये इसको बाइसेक्ट करिए, नहीं कि मिड पॉइंट है, यहां से लाइन आ रही है जो सामने वाले भुजा का मध्य बिंदु हो तो उसको मीडियन बोलते हैं, और मीडियन ट्रेंगल को दो बराबर एरिया में विभाजित कर दिए। यदि इसका एरिया एक्स है तो इसका एरिया भी क्या है, एक्स है, इसका एरिया एक्स है तो इसका एरिया भी क्या है, एक्स है। ऐसे इस ट्रेंगल का एरिया वाई है तो इसका एरिया भी क्या है, वाई है, तो ऊपर वाले ट्रेंगल का एरिया एक्स वाई है तो नीचे वाले का भी क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो दोनों का एरिया बराबर है, दोनों का एरिया सेम है। एरिया का फार्मूला ये होता है, जो अगर मैंने ये एंगल थीटा लिया तो साइक्लिक क्वाड्रेटर के आमने सामने वाले कोणों का योगफल 180 होता, तो ये क्या हो गया 180 माइनस थीटा। यदि ये मैंने थीटा लिया तो ये क्या हो गया 180 माइनस थीटा। तो जो कोई भी ट्रेंगल होती है उसके एरिया का फॉर्म होता है 1/2 दोनों भुजाओं की प्रोडक्ट ए बी गुणा बी सी साइन थीटा, 1/2 ए डी गुणा सी डी, यहां पे क्या बन गया साइन 180 माइनस थीटा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, यही बचेगा ए बी गुणा बी सी बराबर ए डी गुणा सी डी। अब आपको इसमें देखो, जो ए बी दे रखी है 16.5 गुणा में, बी सी अपने को दे नहीं रखी, बी सी को अपने को निकालना है बराबर, ए डी दे रखी है अपने को 19.8 और सी डी दे रखी है ये 19.8 और ये आपको दे रखी है 11, तो बी सी क्या आ जाएगा गुणा में 11 बटे में 16.5। तो मतलब ये पॉइंट से पॉइंट उठ गया, 11 से इसको कट किया, 11 से इसको कट किया 15, तो मतलब 15 एकम 15 कितना बच गया 4 और 8, 15 3 45 कितना बच गया 13.2 सेंटीमीटर, क्या आंसर आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। क्लियर है जो क्या आंसर हो जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। ट्रेंगल ए बी सी में बी 68 डिग्री सी 32 डिग्री, साइड ए बी और ए सी प्रोड्यूस टू पॉइंट डी और ई रिस्पेक्टली, ए बी और ए सी को यहाँ पे डी पे इंटरसेक्ट करते, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी बी सी एंड ई मीट एट एफ, व्हाट इज द मेजर। देखो तो ये आपको एक ट्रेंगल दे रखी है ए बी सी, ए बी और ए सी को प्रोड्यूस करते हैं डी और ई तक, ये पॉइंट डी है ये ई है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी बी सी इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर यहां पे मीट कर रहे एफ है, ये एंगल निकालना। तो प्यारे बच्चों ये ज्योमेट्री की पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया था, बाह्य कोण समद्विभाजक मिलेंगे तो ये एंगल होता है आपका 90 माइनस में ए बाई टू, ये कोण क्या होता है 90 माइनस में ए बाई टू, तो ये आपको दे रखा है एंगल 68 डिग्री ये 32 डिग्री, तो ट्रेंगल के तीनों कोणों का योगफल, ट्रेंगल के तीनों कोणों का योगफल 180, तो 68 और 32 100, तो ये कितना बच गया 80, तो 90 माइनस में ए बाई टू, तो 80 का आधा हो गया 40, तो 90 माइनस 40 ये कितने डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री का, ये एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा 50 डिग्री का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो, बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करो। तो इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बराबर 90 डिग्री, ट्रेंगल ए बी सी में ए आपको 90 डिग्री का दे रखा है। ए अपने को क्या दे रखा है? 90 डिग्री। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम बी सी का मध्य बिंदु है। एम क्या दे रखा है? बी सी का मध्य बिंदु, ये एम दे रखा है। एंड डी इज द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। ए बी आपको 7 दे रखी, ए सी 24, तो मुझे ट्रिपलेट नंबर है, दिया टोटल कितना देगा? 25। ये टोटल कितना देगा? 25। व्हाट इज द रेशो ऑफ ए डी एंड ए एम, ए डी और ए एम के बीच रेशो पूछा। अब ये तो मीडियन है, मीडियन तो वो होती है जो इसका हाइपोटेन्यूस का आधा होता है, ए एम तो मेरा 25/2। दूसरा आपको जो ए डी निकालना था वो आपको मैंने समझाया था, ए डी इक्वल होता है जो हमारा ये भुजा गुणा ये भुजा, 7 × 24 बटे में हाइपोटेन्यूस ये 25, और ए एम इसका मध्य बिंदु तो ये होगा 25/2, इनका रेशो पूछ रहे हो, 7 × 24 / 25 अनुपात 25/2, तो ये तो इनसे मल्टीपल कर दोगे, 7 × 24 से मल्टीपल करो, यानी 7 × 14 किसके साथ मल्टीपल करोगे, 14 × 56, 14 × 28 और 5 = 33, 25 × 25 = 625, क्या रेशो बन जाएगा? 336:625, 336:625। इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए सी के, ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी एल, इन ट्रेंगल डी ई एफ, डी ई बराबर है डी एफ, डी एम परपेंडिकुलर टू ई एफ, इफ द एरिया ऑफ, जो ट्रेंगल का एरिया होता है, ट्रेंगल का जो एरिया होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग भुजा या उनके परपेंडिकुलर के स्क्वेयर के बराबर होता है, तो इनके ट्रेंगल का एरिया क्या दे रखा है? 9:25, तो इनका जो भुजा का रेशो आएगा वो क्या आएगा? 3:5, क्या रेशो बनेगा? 3:5। अब देखो तो डी एम प्लस में ए एल, यानी कि 3+5 और डी एम माइनस ए एल, तो 3-5 रेशो में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया? 5-3, तो 8/2, क्या आंसर बन जाएगा? 4। कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट भी रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपका ज्योमेट्री का कंसेप्ट तकड़ा तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देखिए किसी भी सर्कल के बाहर अगर हम क्वाड्रिलेटरल बनाए, ये इसकी सर्कम, तो इस केस में जो आमने सामने वाली भुजाओं का योगफल बराबर होता है, इस केस में आमने सामने वाली भुजाओं का योगफल क्या होता है? बराबर, यानी कि ए बी प्लस में सी डी बराबर होता है बी सी प्लस में ए डी, आमने सामने वाली भुजाओं का योगफल क्या होता है? बराबर। कैसे होता है? ध्यान से देखिए, यहां मैंने लिख दिया पी, यहां मैंने लिख दिया क्यू, यहां मैंने लिख दिया आर, और यहां लिख दिया मैंने एस। एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, एक ही बिंदु से बनाई गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। क्या आप कह सकते हो ए पी बराबर है ए एस के? सेम, पी बी बराबर है बी क्यू के, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? बराबर होती है। ऐसे जो डी आर बराबर है डी एस के, और आर सी बराबर है सी क्यू के, यदि मैं इनको प्लस करूं, इनको प्लस करूं तो ये क्या बन गया? ए बी। इनको प्लस करूं तो ये क्या बन गया? सी डी। बराबर, इनको प्लस करूं तो ये क्या हो गया? ए डी। इनको प्लस करूं तो ये हमारे लिए क्या बन गया? बी सी। तो जब भी वो किसी भी सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो आमने सामने वाली भुजाओं का योगफल सेम होता है। अब इसके अंदर आपको ए बी ये 8 दे रखी है,
बी सी आपको 7 दे रखी है, ये 6 दे रखी है, तो इनका योगफल मतलब 8, 6, 14, तो इनका योगफल भी 14, तो 7 और 7 ये भुजा कितनी आ जाएगी, 7, ये भुजा क्या हो जाएगी हमारे लिए 7 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज 44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ट्रेंगल का एरिया ये देखा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई का। ट्रेंगल ए बी सी में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसका मिड पॉइंट डी है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मिड पॉइंट ई है। याद रखना मतलब जब भी ट्रेंगल के दो मध्य बिंदु को मिलाओगे, जब भी ट्रेंगल के दो मध्य बिंदु को मिलाओगे तो वो तीसरी भुजा के पैरेलल और तीसरी भुजा के आधी होती है। यदि ये एक है तो ये क्या होगी, दो। तो यहाँ पे बोलो डी ई मेरे लिए क्या समानांतर है ए सी के, और डी ई बराबर है 1/2 ए सी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके 1/2 भी है। अब देखो तो अगर ये पैरेलल है तो ये सिमिलर ट्रेंगल है, सिमिलर ट्रेंगल का एरिया उनके कोरस्पोंडिंग भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। पूरी ट्रेंगल का एरिया 4 है तो इसका एरिया 1 है, तो पूरी ट्रेंगल का एरिया कितना देर का, 44, 4 की वैल्यू 44, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, 4 की वैल्यू 44 है तो 1 की वैल्यू 11। क्लियर ब्रो? आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।